से दवा जरा असर करके क्या अभी दीवाने काम कर रहा नहीं, क्या की देख ले तो बेटा। 3-4 घंटे के बाद डॉक्टर आया तो वो दीवाना वहां बैठता है। डॉक्टर एक डॉक्टर पड़ गया, 3 घंटे से इन्हें देख रहा था, क्या देखता रंगा वो बस दीवाने को बोले कहते हैं हटे जरा देख दो भाई भी बोलो डॉक्टर देख कहते हो इतनी लंबा सुराख है अधेरा है क्या आगे दिख रहा है। फौरन डॉक्टर हटको दीवाने को चढ़ते 3 घंटे से क्या रहा देख रहा है क्या भी दिख रहा नहीं रहा है बच्चे कहता हो दीवाना डॉक्टर बोले ए दीवाने जब 3 घंटे से वही देख रहा हूँ मुझे दिख रहा नहीं आपके ही तुझे दिख रहा है सारे चौदहवें साल से मदरसों का निजाम अपना समझ में नहीं आता था आते कि नहीं कि ये छोटे अंकल को समझ में आता नहीं आता। ये है मदारिस जिस पर नजर है, दूसरे हैं स्कूल। स्कूल के हालात भी खराब है ऐसे दौर में। मैं ये नहीं कहता कि स्कूलों से बच्चों को निकाल लो, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बिठा कर रात को सोने से पहले एक आधा घंटा सीरत का सबक पढ़ाओ, खुदा के मारिफत का सबक पढ़ाओ, मेरे नबी के अस्मा का सबक पढ़ाओ, मेरे नबी के घर वाले अहले बैत का सबक पढ़ाओ, आले रसूल का सबक पढ़ाओ, सहाबा रसूल का सबक पढ़ाओ, मेरे नबी की सूरत का सबक पढ़ाओ, नबी की सीरत का सबक पढ़ाओ, खत्मे नबूवत का सबक पढ़ाओ, कुरान का सबक पढ़ाओ, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह वक्त होता तो मैं बयान करता, और मैंने मुसलसल सफर में थका हुआ हूं। आने वाला दौर गुजरे हुए दौर से बड़ा खतरनाक है, ऐसे दौर में सीरत के साए में अगर हम हमारे बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे तो फिर पर्दे में बैठी हुई मेरी माए और बहने और मेरे सामने बैठे हुए हजरात कान खोल कर सुन ले, हम कब तक रहेंगे अल्लाह बेहतर जानता है। खुदा इन नस्लों की उम्र में बरकत अता फरमाए, लेकिन आने वाले दौर में अगर इनके ईमान पर हमला हुआ तो मुजरिम ये बाद में बनेंगे।